बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा कि इसके स्टेटमेंट को हम सिंपलीफाइड रूप में इस तरह से लिख सकते हैं, जिसमें क्या है, गिवन ट्रायंगल एबीसी इफ बी इज ऑन एबी एंड ई इज ऑन एस सच दैट डी इज पैरेलल टू बीसी। जब डी ई पैरेलल टू बीसी था तो हमें ये प्रूव करना था एडी बाई डीबी इज इक्वल टू ए बाई बीसी, ठीक है, ये प्रूव करना था। अब कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में इसका उल्टा होगा, ठीक है, सब कुछ वैसे ही रखना है, खाली ये सच दैट की जगह ये और देन की जगह कर देना, ठीक है, मतलब कि अब ये जो हो जाएगा वो इस तरह से हो जाएगा, सच दैट ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई डी सी, देन Then क्या हो जाएगा, Then D parallel to BC, ये करना है। तो अभी given और two two भी just ऊपर नीचे हो जाएगा, बस उलट जाएगा, ठीक है। तो यहां से कि अब यहां हो गया DE by AD by DB equal to A by BC, और ये two two में क्या हो जाएगा, वो ये सब कुछ वही है, ये खाली इफ एंड देन वाला चेंज इंटरचेंज हो गया। हमको भी है कि अगर वो चीज अगर आप याद नहीं कर सकते इसको तो कम से कम याद कर ही सकते, एक नंबर बचेगा, ठीक है। अब इसमें कुछ करना है, कैसे करना है, कि हमारा टारगेट क्या है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, हमें ये दिखाना है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी होना चाहिए। तो दो अगर लाइन दिया हुआ है तो दो ही चीज संभव है कि या तो दोनों पैरेलल हो, और अगर पैरेलल नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक, कोई बात नहीं। अगर डीई अगर बीसी के पैरेलल नहीं है तो एक दूसरा लाइन होगा जो बीसी के पैरेलल होगा, ठीक है। अगर डीई बीसी के पैरेलल नहीं है तो एक दूसरा लाइन होगा जो कि बीसी के पैरेलल होगा, मान लीजिए ये लाइन क्या है, ठीक है, क्या ये डी डैश, डीई इज नॉट, इफ डीई इज नॉट पैरेलल टू, इफ डीई इज नॉट पैरेलल टू बीसी, लेट डीई डैश इज पैरेलल टू लगा सकते हैं, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी से क्या हो जाएगा, AD by DB is equal to A E' by C' C, ये हो जाए, इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए सेकंड, बाय वन एंड टू आप ऑब्जर्व कर बताए क्या होगा, बाय वन एंड टू ए डी बाय सी इक्वल टू ए डैश बाय सी डैश, ठीक है। अब यहां से हम ये देख सकते हैं कि अगर दोनों तरफ प्लस वन करें, एडिंग वन टू बोथ साइड, एडिंग वन टू बोथ साइड, ए बाई ई सी प्लस वन इक्वल ए ई डैश बाई ई डैश सी प्लस वन, यहां से क्या होगा,
ए प्लस ई सी बाय ई सी इक्वल टू ए ई डैश प्लस ई डैश सी बाय ई डैश। इसमें किसी प्रॉब्लम है तो अब ए प्लस ई सी कितना हो जाएगा ए सी और ए सी बाय ई सी इक्वल ए की डैश प्लस ई डैश सी कितना हो जाएगा ए सी बाय तो यहां से क्या लिख सकते हैं ऊपर दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारा ए सी बाय इक्वल टू ए डैश। अब यहां इस फिगर को देखिए जरा ई करें ई सी इक्वल टू ई डैश सी ई सी और ई डैश सी दोनों बराबर है इसका मतलब क्या होगा ई और ई डैश अलग अलग नहीं E-dash one side with E. So, E-dash, ऐसे लिखें, this is possible only when E-dash one side with ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ दिस इंप्लाइज दैट डी डैश इज इक्वल टू डी बट डी इज पैरेलल टू डी डैश इज पैरेलल टू बी सी सो डी इज पैरेलल टू बी सी ठीक है। इस तरह से हम इसको कोई डाउट है इसमें किसी को या डी डैश पहले टू बी सी क्यों लिया गया क्योंकि हम लोगों ने यहाँ एजम्पशन माना था यहाँ डी डैश पहले टू बी सी इसका नतीजा ये हुआ कि ई डैश और ई कौन साइड हो गया ठीक है। तो डी डैश डी के ही बराबर हो गया इसका मतलब क्या है अगर डी डैश पैरेलल है बी सी के तो डी भी पैरेलल होगा बी सी बस अब आज इतना है।